हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल अंजलि स्वंडर गैलरी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे चावल के पापड़, जो कि बहुत ही आसान है। जैसे आप चावल बनाते हैं एकदम वैसे ही बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चावल का पापड़ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 2 कप चावल लिया है, जिसे अच्छे से हमने साफ़ करके इसे धो लिया है। 2 कप चावल में हम 6 कप पानी डालेंगे, क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग आप मेजरमेंट कर सकते हैं, आप चाहें तो ग्लास से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो हमने इसमें 6 कप पानी डाला है। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, और उसके बाद 1/2 चम्मच नमक। आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें मैंने डाला है कलर, बहुत थोड़ा सा कलर डालेंगे, ये एकदम ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा लगने के लिए, दिखने के लिए मैंने थोड़ा सा कलर यूज़ किया है। अब इसमें डालेंगे हम चिली फ्लेक्स 1/2 चम्मच। अब इसके बाद इसमें हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल 2 चम्मच, जिससे कि रिफाइंड ऑयल डालने से पापड़ जो है वो बहुत ही सॉफ्ट बनता है। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा, जीरा डालने से इसका जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आता है। तो अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हमने डाल के इसे अच्छे से चला देना है, और इसे अब हम इसे पकने के लिए इसको 20 से 25 मिनट के लिए हम गैस पे रख देंगे। देखिए अभी एकदम पक चुका है। तो जैसे आप चावल बनाते हैं एकदम वैसे ही बनाना है, सिर्फ इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा डालना है, ताकि जो ये चावल है वो एकदम सॉफ्ट बने। तो अब ये इसको हम ऐसे कलछल की हेल्प से इसको मैश करेंगे। देखिए आप चाहे तो इसको मैशर से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन मैंने कलछल का यूज़ किया है। और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जब ये गर्म रहता है उसी वक्त इसको मैश करना है, ठंडा होने के बाद ये मैश नहीं होगा। देखिए अभी एकदम अच्छे तरीके से मैश हो गया है। तो अब हम अपने हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। हम ऐसी सारी लोइयां एक साथ ऐसे ही बना लेंगे। हम एक साथ लोइयां बनाने से हमें इजी हो जाता है पापड़ बनाने में, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये नहीं लोई बनती है अच्छे से, पापड़ भी अच्छा नहीं बनता है। तो हम इकट्ठा सारी लोइयां ऐसे बना लेंगे। देखिए ये सारी जो लोइयां हैं वो एकदम तैयार हो गई हैं बनके। तो इसके बाद चलिए हम पापड़ बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने एक प्लास्टिक शीट लिया है, इस पर हम थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड करेंगे, ताकि पापड़ जो है वो इस पर चिपके ना। तो इसके लिए हम इस पर अच्छे तरीके से इस पर सारी प्लास्टिक पे इसमें हम ऑयल स्प्रेड कर देंगे। इसके बाद हम दूसरी शीट जो है उस पर भी हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। देखिए अच्छे तरीके से लगाने के बाद अब हम इस पर एक लोई रखेंगे, एक लोई लिया हमने। अब इस पर जो दूसरा शीट है उसको हम इस पर रखेंगे, और एक प्लेट लेंगे और प्लेट से इसको हम ऐसे दबा देंगे। देखिए कितना अच्छा, एकदम इतने इजी तरीके से ये पापड़ बनके तैयार हो जाता है। ऐसे ही हम सारी लोइयों को रखेंगे और प्लेट की मदद से हम इसको ऐसे दबा करके पापड़ बना लेंगे। देखिए आप कितने सारे पापड़ आप प्लेट की हेल्प से बना सकते हैं, जो कि इसका शेप भी बहुत अच्छा आता है और बनाने में बहुत आसान होता है ये। इस तरीके से आप कुछ ही मिनटों में आप बहुत सारे पापड़ बना सकते हैं। तो देखिए सारे पापड़ ऐसे ही रेडी हो जाएंगे। देखिए मैंने ये मैशर एक यहाँ पे यूज़ किया है, इसे भी बहुत जल्दी जल्दी पापड़ बनता है। बस लोई को रखना है, दूसरी शीट लगाने के बाद इसको ऐसे प्रेस कर देना है। तो देखिए सारे पापड़ ऐसे ही बनके एकदम तैयार हो जाएंगे। अब हम इन पापड़ों को 2 से 3 घंटे के लिए धूप में छोड़ देंगे, और 2 से 3 घंटे के बाद जब हम देखेंगे इन पापड़ों को, तो इनका कलर ऐसे हो जाएगा। देखिए किनारों से ये छोड़ रहा है। तो उसके बाद हम इसे अच्छे से पकड़ के इसे हम पलट देंगे, और फिर से हम सभी पापड़ हम ऐसे ही पलट देंगे इसे। और इसे पलटने के बाद इसको हम फिर से धूप में 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ेंगे, तब जाके ये अच्छे से सूखेगा। अब देखिए ये पापड़ जो है वो एकदम पूरी तरीके से सूख चुका है। तो अब हम इसे तलेंगे और इसे सर्व करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।